जब मैं छोटा था, मेरी दादी ने मुझे एक फोटो की किताब दी थी। जब हनो तो इंद्री जी दादी होती माँ बाकुन माँ, तो तिना एक फोटो रहतो ना, तिना काढ़ी ने किताब होती, पुस्तक होतो, तो ते इना आपलो होतो। और उस पुस्तक का नाम था तेंदु एक आदिवासी बच्चा। अनि जे पुस्तक होतो तिना नाव होतो तेंदु एक आदिवासी हनो पोयरो, ते पुस्तक का नाव होतो तेंदु हनो पोयरो। और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी। अनि जे पुस्तक होतो ते तिना जास्त पसंद आवतो होतो, तो ये बात पर भी आपको थोड़ा जोर ना। वो किताब में वो आदिवासी बच्चे के बारे में किताब बोलती थी, लिखा हुआ था, और वो किताब समझाती थी कि आदिवासी बच्चा जंगल के साथ उसका क्या रिश्ता था। तेजे पुस्तक होतो तीना अंदर जी गोठी लिखले होते, कहानी लिखली होती, तीना अंदर लिखलो होतो कि ये जे आदिवासी है, जे पोयरो है, ते पोयरो अने जंगल नातो काय रीत्या है, केली रीत्या नातो है। और हर दो तीन दिन में अपनी दादी को पकड़ लेता था और वो किताब उनसे पढ़वाता था। ये हनो होतो तो इंदिरा गांधी जी है ती दादी तिल हदीन ये कहना रो जीत कहना रो कि ये जो किताब है ये कहानी तूज में कहजे। उसमें बहुत बहुत सुंदर फोटो थी, वहाँ इन चित्र बने हुए थे, तिना अंदर खूब मस्त फोटो होता अनि तिना अंदर चित्र भी काटला होता अलग अलग। और लड़के के पास तीर कमान था, वो मछली को मारता था। ते जे हनो पोयरो होतो तिया पा आपु तीर कमान भी होतो अनि ते जे मासो है तियाल मारन्यान भी फोटो तिया अंदर होतो। तो मैं बच्चा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं हनो होतो तो मैं खूब हरो लगतो होतो आखी गोट। और एक दिन मैंने दादी से पूछा, किताब के बारे में पूछा, आदिवासियों के बारे में पूछा, और मैंने पूछा ये आप मुझे किताब आपने ये मुझे दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आपने मुझे क्यों दी? तो मैंने आई एक दिन पूछ लो माँ माय दादी कि ये जो किताब है तू काय किन मैं अपली से काय कारण से कि तू मैं एक कहतली कि चे वाचनु जुए ये काय कारण से, तो ये मी दादी ये सवाल पूछ लो। और दादी ने जवाब दिया क्योंकि यही हिंदुस्तान के असली मालिक हैं। तो दादी ने कहला कि ये आपू आखा जा सेता या आखा आपू असली आदिवासी या जमीन मालिक है, इना बातों पर जोरदार आपू आखा नवाज देनो। और अगर तुम्हें, उन्होंने मुझे बोला, अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो सबसे पहले तुम्हें आदिवासियों को समझना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, जंगल को समझना होगा, जल को समझना होगा। अगर तुम ये आखो हिंदुस्तान समझनो है, तारी जिंदगी भी तुम समझनो जुए, तो पहले जाइन आदिवासी हाथे तिंद्री जिंदगी, तिंद्री संस्कृति, तिंद्री काय रीति रिवाज आखो समझनो जुए, ते तू समझना रो तो तू जीवन भी समझना रो, अने आखो भारत भी तू समझो पड़े। एक ही बात कही, और उनकी संस्कृति के समझे बिना, रीति रिवाज समझे बिना तुम हिंदुस्तान को समझ नहीं सकते हो। तुम्हारी अपू जी संस्कृति है ती समझे बगैर तुम भारत देश नहीं समझू शकला, तिनान करता आदिवासी अंदर जाए संस्कृति समझ जुवे, ओली बात तिंद्री दादी ने कही। मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं ये बात भूल गया था। मैं जब हानो थो तो तेतर दादी ये बात कर ली होती, तिनान करता मैं ये बात तो वीर ही गेलो तो। कुछ साल पहले मैं उनके घर गया था, उनकी म्यूजियम में मैंने वो किताब दिख गई मुझे। ती इंदिरा गांधी जे रहतली तो तिंद्र एक म्यूजियम बनावलो से, म्हणजे ती आखो संग्रहालय बनावलो से, तो ती जात रहला तो तिना जागा पर जे किताब तिना देखली आणि आखी वात याद आव गेली। और मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से ये कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदुस्तान को सचमुच में समझना चाहते हो, आपको हमारे आदिवासी भाई और आदिवासी बहन जो है, उनका इतिहास, उनका जीने का तरीका, उनका जंगल से रिश्ता, एनवायरनमेंट से रिश्ता समझना होगा।